तो आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि कैंसर की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो कैंसर बढ़ने के रीजंस क्या क्या है, इसके कॉजेस क्या क्या है, क्यों ये कैंसर बढ़ रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसी के साथ में इसमें हम लोग क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं, किस तरह के जो भी है वो मतलब दिखाई देते हैं पेशेंट्स में, इसी के साथ में इसकी जांचें क्या क्या है और इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग एक जानकारी लेते हैं। इस जानकारी को देने के लिए मैं आपके साथ में हूँ, डॉक्टर माधुरी सोनावने। मेरा BAMS MD इन पंचकर्मा हो चुका है। सो चलिए तो फिर अब हम जानकारी लेते हैं। सो हमारा जो शरीर है तो वो अनेक मतलब अलग अलग तरह की सेल्स और अलग अलग तरह के ऑर्गन्स इनसे बना हुआ है। तो इन सेल्स और ऑर्गन्स का एक डिसाइडेड एक मतलब लाइफ होता है। उस लाइफ में या तो फिर ये 24 घंटे से लेके 3 महीने तक का हर एक का अपना लाइफ होता है। उस हिसाब से ये अपने हिसाब से अपना जो भी काम है हमारे शरीर में करते रहते हैं और उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं कोई जख्म बन सकती है या किसी तरह की कोई गांठ दिखाई दे सकती है। तो इसका जो मतलब निकलता है तो वो वहाँ की सेल्स जो है वो किसी वजह की इंफ्लेमेशन से या फिर स्वेलिंग सूजन आने की वजह से या फिर किसी तरह की जख्म होने की वजह से वहाँ के सेल्स की डेथ न होते हुए उनमें मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वो गांठें जो है वो बढ़ती रहती है, इसी के साथ में वो जख्मी बढ़ सकता है। तो इन जख्मों को और इन गांठों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, तो इनकी हमें तुरंत जाँच कर लेनी चाहिए। तो कई सारे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई ज़्यादा एडवांसमेंट्स अभी साइंस में हो चुका है, तो कई ज़्यादा तकनीकें हमारे पास में अवेलेबल है, तो जिसकी हेल्प से हम लोग इन गांठों की जांच कर सकते हैं, कई तरह के स्कैंस होते हैं, इन जख्मों की जांच हो सकती है, वहाँ के सेल्स को मतलब जांचा जाता है, उससे हमें पता चलता है कि वेदर ये कैंसर है या नहीं है। सो ये हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल करेंगे तो कैंसर क्या हम लोग सोल्यूशन की तरफ बहुत जल्दी से पहुँच सकते हैं। इसी के अलावा हमारे उन पेशेंट्स में हमें कई ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उनमें मेनली क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो ये पेशेंट्स की भूख जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसी की वजह से इनका जो वजन है वो घटते रहता है। इसके अलावा या तो फिर बाल झड़ना है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आना है, इसी के साथ में थकान होती है, सांस फूलना है, या फिर मतलब जो यूरिन है उसमें बर्निंग हो सकता है। हर किसी सिस्टम की अपनी अपनी मतलब उसमें जो भी है सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। तो इन सिम्टम्स को देखते हुए उन जांचों को हमने हमारे किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को हमने कंसल्ट करके उन जांचों का सलाह लेना चाहिए। और उसके बाद में एक बार कैंसर अगर डिटेक्ट हो जाता है तो आपका स्टेटस कैसा है, उस पेशेंट का स्टेटस कैसा है, उसका फिटनेस कैसा है, क्या वो उन तरह की मतलब जो भी ट्रीटमेंट्स है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके लिए वो फिट है या नहीं, उस हिसाब से भी वो लोग आपको कुछ ट्रीटमेंट बता सकते हैं। और इसी के अलावा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स है जैसे कि ऑपरेशन बताया जा सकता है या फिर केमोथेरेपी है या फिर रेडिएशन से, ये सारी ट्रीटमेंट्स है। अब इन सारी ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट्स तो डेफिनेटली है और ये सारी ट्रीटमेंट्स हमें ज़रूर ही करनी चाहिए, बट इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं कई बार कई पेशेंट्स जो है इन साइड इफेक्ट्स या फिर कुछ मिथ्स होते हैं दिमाग में, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि अरे ये ट्रीटमेंट हमें सूट होगा नहीं होगा, हमारा पेशेंट और भी कमज़ोर हो जाएगा, तो हम ये करें या ना करें, तो ये सारे भी सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। तो इसीलिए हमें जो है इसके अलावा मतलब जो भी है ये ट्रीटमेंट्स लेते हुए हमें कुछ आयुर्वेदा जो शास्त्र है जो साइंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन उपचार पद्धतियों में। तो जैसे अगर हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो रिपोर्ट्स हैं, लैब के टेस्ट है या स्कैंस है वो कुछ ज़्यादा ही अगर ख़राब है तो उसका फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसका फिटनेस इंप्रूव करने के लिए आयुर्वेदा की दवाइयाँ जो है वो काफ़ी अच्छे से मदद कर सकती हैं। एक बार पेशेंट फिट हो जाए तो जिस तरह की भी ट्रीटमेंट एडवाइज है जैसे कि ऑपरेशन है, कीमो है, रेडिएशन है, डेफिनेटली ली जा सकती है। लेकिन फिर सवाल आता है कि साइड इफेक्ट्स का, तो बिल्कुल साइड इफेक्ट से भी डरना नहीं है। इसमें भी आयुर्वेदा अगर कोई ड्रग इंटरेक्शन वाली अगर दवाई ना हो तो बहुत अच्छे से काम आपको दे सकता है, बहुत अच्छे से जो है साइड इफेक्ट्स को मतलब बैलेंस कर सकता है, आपको इनकी तकलीफ नहीं होगी और आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्मूदर हो जाएगा, रिकवरी भी अच्छी हो सकती है, सक्सेस रेट अच्छा मिल सकता है। इसके बाद में भी हम लोग देखते हैं कैंसर ठीक होने के बाद में भी डेफिनेटली
कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट जो है जो बॉडी में रह जाता है, ऑर्गन्स के ऊपर उसका डैमेज हो जाता है। तो इससे रिकवर होने के लिए, हमारा शरीर फिर से एक बार रिस्टोर होने के लिए, उसका रेजुविनेशन होने के लिए, डेफिनेटली आयुर्वेदा जैसा साइंस जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी हेल्प कर सकता है, उन ऑर्गन्स का मेटाबॉलिज्म फिर से उसी स्तर पर लेकर जाने के लिए और आपका फिटनेस जो है वो बरकरार रखने के लिए। तो और भी आपको अगर जानकारी चाहिए कैंसर से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखाई दिए जाएंगे। धन्यवाद।